हेलो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं आप करूति देव हिंदी फॉन्ट को अपने एंड्रॉयड मोबाइल में कैसे इंस्टॉल कर सकते हो और उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। तो देखते रहिए यह वीडियो, लेट्स बिगिन। तो उसके लिए सबसे पहले हमें प्ले स्टोर से WPS ऑफिस को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड और इंस्टॉल किया हुआ है, अब मैं इसे ओपन कर लेता हूं, ठीक है। इसको ओपन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, उस पर उसके बाद आपको प्लस पर टैप करना है। प्लस पर टैप करने के बाद यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट पर आपने क्लिक कर देना है और ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपने चूज करना है, ठीक है। आप जैसे ही चूज करोगे, ये सिंबल यहाँ पर फॉन्ट का दिखाया हुआ है, यहाँ पर सभी फॉन्ट्स हैं जो आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैंने करूति देव फॉन्ट को इसमें इंस्टॉल किया हुआ है। आपने करूति देव फॉन्ट को डाउनलोड कर लेना है, उसका लिंक है जो आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड होने के बाद उसे कॉपी कर लेना है और आपको अपने इंटरनल स्टोरेज के अंदर एक फोल्डर मिल जाएगा फॉन्ट्स के नाम से, ठीक है। फॉन्ट्स के फोल्डर को ओपन करने के बाद आपने उस फॉन्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। और उसके बाद आप जैसे यहाँ पे टैप करोगे, ठीक है, तो आपका हिंदी में लिखना शुरू हो जाएगा। देखिए, तो इस तरह आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में हिंदी फॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। इसी तरह इसी के अंदर आप किसी भी हिंदी की फाइल को ओपन भी कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ मेरी यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई किसी भी सवाल या सुझाव के लिए कॉमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।